नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लास में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी अग्निवीर का एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका भी 17 अप्रैल को पेपर है। उनके लिए बहुत ही बेस्ट क्लासेस होने वाली है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना। और आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगा, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर सब कुछ फ्री में आपको मिलने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताना कि आपके आज के इस ओरिजिनल पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताइएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है। तो देखिए, ऑप्शन है आपका बेंगलुरु है, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी लखनऊ। तो देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया जो होता है वो आपका मुंबई में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया गेट कहां पर होता है, तो इंडिया गेट जो होता है वो आपका दिल्ली में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नंबर क्वेश्चन की ओर। दो नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी इयर्स लोकसभा इलेक्शन आर हेल्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्षों के बाद करवाया जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताइएगा कि भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर करवाया जाता है। ऑप्शन है 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष या ऑप्शन डी 4 वर्ष। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए, भारत में लोकसभा जो चुनाव करवाया जाता है वो आपका 5 वर्षों के अंतराल पर करवाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन नंबर क्वेश्चन को। तीन नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट कॉल्ड, यानी कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, जल्दी से बताना है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, भारतीय संसद के ऊपरी सदन जो कहा जाता है वो आपका राज्यसभा को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और निम्न सदन जो कहा जाता है वो आपका लोकसभा को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन की ओर। चार नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लैक पर्ल, यानी कि निम्न में से किसे ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है वीनस लिनियस, ऑप्शन बी माराडोना, ऑप्शन सी सेरेना विलियंस या ऑप्शन डी पेले। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, ब्लैक पर्ल के नाम से जो जाना जाता है वो आपका पेले को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी पेले लाइव चैट में बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच नंबर क्वेश्चन की ओर। पांच नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से बताइएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन होते हैं। ऑप्शन है अली बंधु, ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आजाद या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी महात्मा गांधी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, छह नंबर क्वेश्चन की ओर। छह नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु फाउंडेड द ब्रह्मा समाज, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब पूछा गया है, तो जल्दी से बताइएगा कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा चुका है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, ब्रह्मा समाज की स्थापना जो किया गया था वो आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सात नंबर क्वेश्चन की ओर। सात नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि फतेहपुर सिकरी वाज बिल्ट बाई विच रूलर, यानी कि फतेहपुर सिकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था। जल्दी से बताना है कि फतेहपुर सिकरी किस शासक के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन है शाहजहां, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं या ऑप्शन डी अकबर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताइएगा। तो देखिए, फतेहपुर सिकरी जो बनवाया गया था वो आपका अकबर के द्वारा बनवाया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कब बनवाया गया था, तो आपका 1602 में बनवाया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आठ नंबर क्वेश्चन की ओर। आठ नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय मानक मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है नागपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नासिक या ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। तो जल्दी से बताइएगा कि भारतीय मानक मुद्रा के नोट किस शहर में छपता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी नासिक यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ नंबर क्वेश्चन को। नौ नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी 22 मार्च या ऑप्शन डी 20 जनवरी। तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो होता है वो आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी 2 अक्टूबर बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन भी आपका हर एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन वाज द थर्ड वॉर ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताइएगा कि व्हेन वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था वो आपका
1761 को लड़ा गया था। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था आपका 1757 को हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की, और 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से किसे लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसे लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपका एनी बेसेंट, ऑप्शन में फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, या ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है वो आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को, और 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। जल्दी से बताना है कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन चार आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो किया जाता है वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल जो है वो आपका के वेणुगोपाल है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को, और 14 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी महानदी, या ऑप्शन डी कृष्णा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी नर्मदा, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को, और 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री जो थे वो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को, और 16 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ से जीएस का पार्ट स्टार्ट होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर जल्दी से एक एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस कर लेना। और आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कम से कम दो या तीन दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि हमारा भी कुछ हेल्प हो सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कम से कम आप दो या तीन दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मनुष्य में रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, मनुष्य में रक्त का जो लाल होता है वो आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की, और 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। जल्दी से बताइएगा कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है सेकंड, ऑप्शन बी हर्ट्ज, या ऑप्शन सी मीटर, या ऑप्शन डी न्यूटन मीटर। तो देखिएगा, आवृत्ति का मात्रक जो होता है वो आपका हर्ट्ज होता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को, और 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मछली किसके द्वारा सांस लेती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, जल्दी से बताना है कि मछली किसके द्वारा सांस लेती है। ऑप्शन है नाक, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी गलफड़ों द्वारा, या ऑप्शन डी श्वास नली द्वारा। तो देखिएगा, मछली जो सांस लेती है वो आपका गलफड़ों के द्वारा लेती है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को, और 19 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग आयरन, यानी कि लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी का राइट आंसर जल्दी से लाइव चैट में आना चाहिए। ऑप्शन चार आपके सामने है, तो जल्दी से बताइए कि लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिएगा, लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया जो कहा जाता है वो आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है ऑक्सीकरण, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की, और 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटालिक मेटल, यानी कि निम्न में से कौन सा एक अचुंबकीय धातु है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन एक अचुंबकीय धातु है। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अग्निवीर सी एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन का होता है। इनका अग्निवीर आर्मी सी एग्जाम GDNER, ट्रेड मैन क्लर्क SKT और सैनिक टेक्निकल का भी बुक आता है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कंप्लीट और मजबूत कर सकते हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जाकर के जल्दी से चक्षु पब्लिकेशन का बुक को बाय करना, लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका टीन है, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी निकल, या ऑप्शन डी कोबाल्ट। देखिएगा, और चुंबकीय धातु जो होता है आपका टीन होता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की, और 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बादल आसमान में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें होता है। आपको बताना है कि बादल क्यों आसमान में तैरते हैं। ऑप्शन है आपका कम घनत्व के कारण, ऑप्शन डी कम दाब के कारण, ऑप्शन सी कम विस्थापन के कारण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइएगा, बादल आसमान में क्यों तैरते हैं। तो देखिए, बादल जो आसमान में तैरते हैं वो आपका कम घनत्व के कारण तैरते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है कम घनत्व, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को, और 22 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में 22 नंबर क्वेश्चन मेरे को अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था,
इसी कारण मैंने 22 नंबर क्वेश्चन को ऐड नहीं किया। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है 14%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 90% या ऑप्शन डी 7%। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा जो होता है वो आपका 7% होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन बच्चा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में मैंने काफी बार करवाया है, तो जल्दी से बताना है कि एक हॉर्स पावर बराबर कितने वाट के बराबर होता है। तो जल्दी से बताइएगा कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो देखिए एक एचपी बराबर जो होता है वो आपका 746 वाट होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट डू प्रोटीन चेंज आफ्टर डाइजेशन, यानी कि पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में बदल जाते हैं। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी वसा या ऑप्शन डी अमीनो एसिड। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा पाचन के पश्चात प्रोटीन जो होता है आपका अमीनो एसिड में बदल जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन बच्चा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट कॉजेस टाइफाइड, यानी कि टाइफाइड किसके कारण से होता है। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब पूछा गया है, तो जल्दी से बताइएगा कि टाइफाइड किसके कारण से होता है। तो ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना है कि टाइफाइड किसके कारण से होता है। तो देखिए टाइफाइड जो होता है वो आपका बैक्टीरिया के कारण से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी कोशिका, ऑप्शन सी ऊतक या ऑप्शन डी कोशिकांग। तो देखिएगा जीवन की मूलभूत इकाई जो होता है वो आपका कोशिका होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन का उसे ऑल पे प्रेस कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार आपसे रिक्वेस्ट है एक एक लाइक कर दिया करो, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दो, कम से कम 2 या 3 दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दिया करो। तो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग होता है। आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी लंग्स, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण कौन से रंग में अधिकतम होता है। आपको बताना कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो सबसे ज्यादा कौन से कलर में होता है। ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी पर्पल, ऑप्शन सी ब्लू या ऑप्शन डी रेड। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी लाल, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ अ मैड डॉग, यानी कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होता है। जल्दी से बताना है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होता है। ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी हैजा या ऑप्शन डी रेबीज। तो देखिएगा पागल कुत्ते के काटने से जो होता है वो आपका रेबीज रोग होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते एक एक लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।